नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर वन शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश ऑफिशियल विजिट पर जाता है तो किस लिए जाता है? जाहिर है दोस्ती के लिए, ताकि उस देश से रिश्ते मजबूत हों। कुछ वो हमारे काम आए, कुछ हम उसके काम आए। बिजनेस बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट बढ़े, कुछ उसका भला हो, कुछ हमारा भला हो। नेहरू से मनमोहन सिंह तक सारे प्रधानमंत्री देश के कम्फर्ट के लिए ही अमेरिका और बाकी देश जाते थे, तो फिर पीएम मोदी के अमेरिका टूर पर इतना बवाल क्यों? प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे के आखिरी पड़ाव पर हैं। अमेरिका में कई बिजनेस लीडर से मिलने के बाद वो राष्ट्रपति बाइडेन के यहाँ प्राइवेट डिनर कर चुके हैं। उनके लिए खास 10 तरह के गिफ्ट लेकर गए थे, वो भी उन्हें दिए। आज शाम को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में ऑफिशियल वेलकम होगा। वो स्टेट गेस्ट हैं, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद व्हाइट हाउस में मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत होगी। हमारे समय के हिसाब से रात 12:15 बजे पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे और फिर इसके बाद उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से स्टेट डिनर दिया जाएगा। लेकिन मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत के बाद एक और कार्यक्रम होगा और वो है मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसकी जानकारी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दी। इसमें पीएम मोदी से 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक अमेरिकी पत्रकार सवाल पूछेगा, दूसरा भारतीय पत्रकार पूछेगा। अब कांग्रेस ने इसी को आज का मोदी विरोध का एजेंडा बना लिया है। पूछा है कि 2 ही सवाल क्यों? कांग्रेस के मुताबिक मोदी डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने बस 2 सवाल की इजाजत दी है। तो क्या कांग्रेस की ये इच्छा है कि अमेरिका में पीएम मोदी से द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों की बजाय देश के अंदरूनी मुद्दों पर बात हो? मोदी के समर्थक कहते हैं कि उनकी विदेश नीति का दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन कांग्रेस को इस डंके पर पहले भी शंका रही है और अब भी है। Opportunity to see Modi in person. I'm so happy to see Modi. I'm very honored to be here today, and I'm really excited. I was really excited. Like, I've never seen him up so close. So. Washington आते ही मुझे इतने young, creative minds के साथ जुड़ने का मौका मिला है। He really wants to do the right thing for India. I am a fan of Modi. So. मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। मोदी का डंका है, क्या कांग्रेस को शंका है? इसी पर बात होगी। सबसे पहले सीधे चलता हूं मैं सुप्रिया श्रीनेते जी के पास, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सुप्रिया जी, आपको शंका क्यों है? आपको मेरा नमस्कार। मुझे शंका बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर होते हैं तो वो हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपकी जानकारी और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए, जॉन कर्बी जो स्पोक्सपर्सन है सिक्योरिटी काउंसिल के यूएस में, जिनका अभी बहुत बीजेपी कोट कर रही थी, उन्होंने क्या कहा उसको पढ़ देती हूं और आप मुझे बता दीजिए अगर ये इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट नहीं है तो क्या है। इट इज अनयूजुअल फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया। वहां का व्यक्ति ब्रीफिंग में यह बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अनप्रेसिडेंटेड है, अनयूजुअल है, ये करते नहीं है वो। उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक में बैठे थे लेकिन एक भी सवाल नहीं लिया। ये वहां का जो स्पोक्सपर्सन है वो बोल रहा है। देखिए ऐसा है दीपक जी, हमें ना प्रधानमंत्री के दौरे से आपत्ति है, वो हीरा जवाहरात जाके कुछ दे उससे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात की है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री 54 दिन बाद मणिपुर जल रहा है, 120 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, ठीक है, और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। एक मिनट, स्कूल,
चर्च कॉलेजेस जलाए जा रहे हैं, इस पर एक शब्द नहीं बोलते। सुप्रिया जी, मैं आपको बिल्कुल रोकना नहीं चाहता, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जुड़ रही हैं। मैं सीधे उनसे 1-to-1 बातचीत करूंगा। स्मृति जी, सबसे पहले जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री का एक विशिष्ट तोहफा, आज उसी की चर्चा हो रही है पूरे देश में कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या खूबसूरत तोहफा जो बाइडेन को दिया है, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? और जो आलोचना है कांग्रेस की कि भाई दो ही सवाल लेंगे, इस पर भी आप क्या कहना चाहेंगी? उसके बाद मैं दूसरे एस्पेक्ट्स पर बात करूंगा। मुझे लगता है कि आज का ये दिन जब चर्चा में आ रहा है भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किस प्रकार से संबंधों को और भी सशक्त कर रहा है, तो इसके केंद्र में है भारत की अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के यूएस के इन रिलेशनशिप्स के संदर्भ में अभी अभी मैंने एक न्यूज़ ब्रेक में देखा है कैसे एक जीई एरोस्पेस का एमओयू होने वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इंजन प्रोडक्शन के लिए। एक तरफ हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो अब विश्व में पांचवें पायदान पर है वो और भी नव भारत के निर्माण की दृष्टि से सुदृढ़ हो, नई ऊँचाइयों को छुए। दूसरा, हिंदुस्तान ने विश्व पटल पर अपनी एक अनोखी जगह बनाई है, उसका एक प्रतिबिंब कल आप देख चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान ने एक नया रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया 130 से ज़्यादा राष्ट्रों के सहयोग से। तो मुझे लगता है एक तरफ जहां पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से रिश्तों को और भी मजबूत किया जा रहा है, दूसरी ओर संस्कृति की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये हमें स्वीकार करना होगा कि भारत विकास के पथ पर तो है लेकिन संघ ही अपनी विरासत को विश्व के सामने प्रस्तुत करते हुए एक नई अमृतकाल की घोषणा के संदर्भ में एक नव भारत के निर्माण में अग्रसर है। जहां तक विपक्ष की बात है, मुझे लगता है विपक्ष का दायित्व है और विपक्ष से अपेक्षित है कि वो कोई ना कोई टीका टिप्पणी करेंगे, मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन वर्तमान में आज जो चर्चा है वो इंडो यूएस रिलेशंस के संदर्भ में हम लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, जिस प्रकार से इलॉन मस्क हो या बाकी साइंस की जगत के लोगों ने कल प्रधानमंत्री जी के सम्मुख होकर उनसे चर्चाएं की, उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर बल्कि हिंदुस्तान की कैपेसिटी पर भी अपने विश्वास को व्यक्त किया है। तो मात्र ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी का ये अपना टूर है वो सही नहीं होगा, ये हिंदुस्तान की आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला एक टूर है। ठीक है, आपने कहा हिंदुस्तान की आकांक्षाओं को, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहता हूँ। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को बॉस कहा, पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने उनके पांव छुए, एलन मस्क ने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हूँ, जो बाइडेन ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, ये एक भारत के किस क्या कद को दर्शाता है, क्या संकेत देता है? मुझे लगता है कि आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि जब हमारे पूरे विश्व को कोविड ने अपनी चपेट में ले लिया था, तभी शंका जाहिर की जा रही थी कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या में हिंदुस्तान का जनमानस कैसे कोविड जैसी आपदा से संरक्षित रहेगा। हिंदुस्तान ने ऐसे मुश्किल हालातों में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैक्सीन का निर्माण किया, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन्स न सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे नागरिकों तक पहुंची, लेकिन हिंदुस्तान ने इस उपलब्धि को अपने तक सीमित नहीं किया, 160 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन मैत्री के माध्यम से हिंदुस्तान ने मदद पहुंचाई। तो मुझे लगता है जब आप पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं तो उसके पीछे एक ये भी विशेष विषय था कि जब कोविड की परिस्थिति में हम ज्योग्राफिकली लॉकडाउन की अवस्था में थे, तब हिंदुस्तान ने वसुधैव कुटुंबकम के अपने इस सिविलाइजेशनल संकल्प को फलीभूत करते हुए 160 से ज़्यादा राष्ट्रों का सहयोग दिया। आप ये भी जानते हैं कि जब विश्व युद्ध की कगार पर था तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध को विराम मात्र इसलिए दिया गया क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाहते थे कि 20,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो फंसे थे उस युद्ध क्षेत्र में उन्हें बहुत ही सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए, लेकिन हिंदुस्तान के उस एक निवेदन पर न सिर्फ हिंदुस्तानियों की मदद हुई बल्कि बाकी राष्ट्रों के नागरिक भी बड़ी सुरक्षित ढंग से अपने अपने देश लौटे। तो हिंदुस्तान की विश्व पटल पर जो एक उभरती नई भूमिका है, कहीं ना कहीं ये उसको भी
परिभाषित करता है उसको भी प्रतिबिंबित करता है। एक बड़ी बात, इंडो पैसिफिक के लिए एक नया इकोनॉमिक मॉडल और एक नया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाने की बात हो रही है, ये क्या है और क्या ये स्पष्ट शब्दों में चीन के लिए कड़ा संदेश नहीं है कि हाँ भारत एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो चीन से जो भरोसा हटा है उसके बाद हम सप्लाई चेन को जो चीन प्रोवाइड करता था पूरी वर्ल्ड में उसको रिप्लेस करने की स्थिति में होंगे। ये कहना उचित होगा कि जब इस प्रकार की कहीं ना कहीं परिस्थितियां उभरी हैं विश्व की पॉलिटिक्स में या जियोपॉलिटिकल स्पेस में, जहां पर युद्ध की कहीं ना कहीं बात आती है अथवा किसी न किसी डिसरप्शन की बात आती है, तो हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने आप को कभी भी डिसरप्शन का हिस्सा नहीं बनाया है, सल्यूशन का हिस्सा बनाया है। ये भी कहना मुझे लगता है ठीक होगा कि हम एकमात्र ऐसा देश हैं जिन्होंने इसको प्रमाणित कर दिया है कि हम सप्लाई चेन अपनी जियोपॉलिटिकल नीड्स के लिए कभी भी डिसरप्ट नहीं करते हैं। तो ये कहना कि हिंदुस्तान न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, न सिर्फ विरासत की दृष्टि से केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी हिंदुस्तान जिस प्रकार से उन राष्ट्रों की आवाज़ उठाता है जो इकोनॉमिकली एडवांस नेशन नहीं है, चाहे वो अफ्रीकन नेशंस हो चाहे वो आइलैंड नेशंस हो, इसकी वजह से मुझे लगता है हिंदुस्तान के प्रति सद्भाव बढ़ा है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कभी ये नहीं कहा कि हम किसी और का पर्याय हैं, हमने ये कहा है कि विश्व को अगर हीलिंग की ज़रूरत है, विश्व को अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, आप योगा को ही देख लीजिए, योगा प्रिवेंटिव केयर का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उदाहरण है, हीलिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आप हिंदुस्तान को आज मात्र एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की दृष्टि से नहीं, कल्चरल फ्रेमवर्क की दृष्टि से, डिप्लोमेटिक नए दृष्टिकोण से और स्पेशली ग्लोबल साउथ की दृष्टिकोण से देख सकते हैं और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से भी। मैं कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करना चाहूँगी, स्पिरिचुअलिटी हमारे राष्ट्र में आस्था, हमने उसको जियोपॉलिटिकल इशू नहीं बनाया है, लेकिन हाँ जहाँ पर काउंटर टेररिज्म का विषय है हिंदुस्तान ने अपनी भूमिका को बड़ी गंभीरता से निभाया है, जहाँ तक इनोवेशन का विषय है, टेक्नोलॉजी का विषय है, हिंदुस्तान फ्रूगल टेक्नोलॉजी का निर्माता है, ये हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया है विश्व में। अगर आप दोबारा कोविड की ही बात लें तो राष्ट्र ऐसे कई थे जहाँ पर वैक्सीन का डिप्लॉयमेंट कागज पे होता था, हिंदुस्तान एकमात्र वो देश है जिसने वैक्सीन डिप्लॉयमेंट कोविन जैसे ऐप के माध्यम से की। हमारे देश के बारे में जब प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया का आगाज किया था तब ये कहा जाता था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में कभी भी हिंदुस्तानियों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आएगा। आपको याद दिला दूं कि जो विपक्ष आज प्रधानमंत्री का हर मोड़ पर विरोध करता है, उसी विपक्ष के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने कहा था कि आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मत बढ़िए, ग्रामीण अंचल में और जो लोग विशेष रूप से शिक्षित नहीं हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस ना समझ पाएंगे ना कर पाएंगे। लेकिन यूपीआई की सफलता अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रमाण बन चुकी है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। तो ग्लोबली आज हम विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन मिशन घोषित कर चुके हैं, ग्लोबली आज हम विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम ऑपरेट होते देख रहे हैं आयुष्मान भारत के संदर्भ में, ग्लोबली जैसे कि मैंने कहा हिंदुस्तान ने एनवायरमेंट और इन पर्यावरण के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाते हुए लाइफ का प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया स्वरूप एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो चाहे आप टेक्नोलॉजी के सेवक हों जैसे इलॉन मस्क, चाहे आप एनवायरमेंटल नेतृत्व देते हों, चाहे आप थिंक टैंक में नए विश्व की परिकल्पना रखते हों, जब जब आप विश्व के भविष्य की चिंता करेंगे हिंदुस्तान को उसके केंद्र बिंदु में पाएंगे, और ये उचित होगा कहना कि इसमें बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का है। 25,000 करोड़ की हमारी संभावित एक डील हो सकती है जिसमें हमको प्रीटेंडर ड्रोन मिलेंगे, कई सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे, साथ ही साथ इसको लेकर एक नैरेटिव भी चलाया जा रहा है कि भाई हम तो उनका सामान खरीदने जा रहे हैं इसलिए प्रधानमंत्री का इतना ग्रैंड वेलकम हो रहा है, ये एक पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, इस आलोचना को आप किस दृष्टि से देखती हैं?
$191 बिलियन का हमारा ट्रेड का रिश्ता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, 2022 का ये आंकड़ा है। अगर हम ये मानते हैं कि हम वैश्विक स्तर पर आज एक इकोनॉमी है टू रेकन विद, तो डू वी वांट टू नाउ क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर आर पीपल? मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं ट्रेड को $191 बिलियन की सीमा में आपके सम्मुख संवाद के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ट्रेड में क्या अभिन्न मुझे लगता है अंश है हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स के। यस, डिफेंस हमारे लिए बहुत बड़ा एक मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर में आज फलीभूत हो रहा है। टेक्नोलॉजी में हमने न सिर्फ आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में एक अपनी एक अहम छाप छोड़ी है, ये भी कहना उचित होगा कि स्पेस सेक्टर में स्पेशली हमारा मार्स मिशन अगर आप देखें और उसकी तुलना आप विदेशी मार्स मिशन के साथ करें, तो जब मैं कहती हूँ कि फ्रूगल टेक्नोलॉजी, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, ये विश्व में अगर सबसे बेहतरीन उदाहरण किसी देश ने प्रस्तुत किया है तो वह हिंदुस्तान ने प्रस्तुत किया है। तो मात्र वैक्सीन तक मैत्री नहीं है, स्पेस सेक्टर को भी ओपन अप करके आज हम कहते हैं कि छोटे राष्ट्र जिनकी इकोनॉमीज इतनी डेवलप नहीं है, उनको भी स्पेस में अगर सैटेलाइट्स डिप्लॉयमेंट के बारे में कोई हमसे मैत्री करनी है तो हमने वो मैत्रियाँ भी की हैं। तो आज ये कह देना कि मात्र यूएस के साथ हम लोग इसलिए अपने रिश्तों को और भी बुलंद कर रहे हैं क्योंकि हम एक मार्केट हैं, हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम मेक इन इंडिया में कह रहे हैं प्रधानमंत्री, मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड। यूएस हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, मैं टेक्सटाइल में सेवा दे चुकी हूँ। अगर आप टेक्सटाइल की दुनिया को देखें तो मेडअप्स के लिए यूएस मार्केट हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। तो क्या हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जैसे नए नए आयाम नहीं उपलब्ध कराना चाहेंगे, जो एग्रीकल्चर के बाद, खेती के बाद हमारे देश में सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पर लोगों को नौकरियां मिलती हैं? इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर, जैसे योगा का जाना, योगा का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 9वां हमने मनाया। इसके अलावा आप देखिए प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी का डंका कि मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र उनको अपने सर्वोच्च ऑनर से नवाज रहे हैं, कई मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर मंदिर बन रहे हैं, इतना ज़्यादा ओपन अप हो रही है दुनिया भारत के लिए। तो आपको नहीं लगता कि भारत के एक नए सॉफ्ट पावर और उभरते हुए भारत का एक बुलंद संकेत है? मुझे लगता है कि आपने अपने उस एक वाक्य में ही हिंदुस्तान की खूबियों को इतनी बेहतरीन तरीके से साझा कर दिया है कि मैं मात्र उसको कुछ ही शब्दों में अलंकृत कर सकती हूँ। मैं दोबारा कहती हूँ कि ये मात्र हमारी सांस्कृतिक विरासत ही नहीं जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, आज विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन मिशन हिंदुस्तान ने प्रस्तुत किया है। क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से आज मात्र 5 राष्ट्र हैं विश्व में जो क्वांटम फिजिक्स में काम कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं, उनमें से एक राष्ट्र अब हिंदुस्तान है। आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी ने PLI की घोषणा की है, वो PLI मात्र टेलीकम्युनिकेशंस तक सीमित नहीं है, वो PLI मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में भी है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक चीज हम उसमें सुनिश्चित करते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के मैन्युफैक्चरिंग में हम उनको मीट करते हैं। दूसरा, हम यातायात की दृष्टि से प्रधानमंत्री जब गतिशक्ति की बात करते हैं, मल्टी नोडल लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो मात्र अपने देश में ही यातायात की दृष्टिकोण से नहीं बल्कि विश्व भर में एक्सपोर्ट्स को कैसे और सहूलियत मिले उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। तो हिंदुस्तान को एक लिमिटेड कल्चरल दृष्टिकोण से ना देखते हुए मैक्सिमाइजिंग हमारी पोटेंशियल को किस तरह से हम कर सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि आप हिंदुस्तान में कल्चरल इकोनॉमी को बढ़ावा दें तो उसका मतलब क्या है? हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में टूरिस्ट आएं, अगर टूरिस्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं होम स्टेज को और बढ़ोतरी मिलती है, कहीं ना कहीं हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को और बढ़ोतरी मिलती है। आज हमारे देश में GCC कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। तो सेक्टर चाहे कोई भी हो, विकास से वो अछूता नहीं होता जब प्रधानमंत्री ऐसे विशेष कदम उठाते हैं। ठीक है, मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगा। अभी अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं अभी अभी कुछ नए ताजे दृश्य दिखा रहा हूं जो शायद प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया, जहां तक मैं सुन पाया हूं अपने प्रोड्यूसर को। और ये देखिए, ये व्हाइट हाउस का शॉट है, ये जो बाइडेन और उनकी धर्मपत्नी जा रही है आगे, ये प्रधानमंत्री उतर रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, कैमरामैन के शॉट्स,
प्रधानमंत्री का हैंडशेक जो बाइडेन के साथ, प्रधानमंत्री जी का, और ये देखिए एक भारतीय नृत्य व्हाइट हाउस के अंदर होता हुआ प्रधानमंत्री के स्वागत में। और आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि हम एक पारंपरिक भारतीय नृत्य देख रहे हैं। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेट डिनर में होंगे उसमें गुजरात का गरबा भी होगा। स्मृति जी, आप खुद गुजरात से राज्यसभा की MP रही हैं, व्हाइट हाउस में गरबा होगा? हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि होगा कि नहीं होगा, हम सिर्फ खबरों में ही सुन रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स से, तो कैसा लगेगा, ये कैसा दृश्य होगा? और अभी एक हिंदुस्तानी पारंपरिक नृत्य हमने देखा। मैं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से राष्ट्रपति बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक स्पेशल बॉक्स दिया है वो मैसूर से है। सैंडलवुड का मतलब आप उसका चित्र शायद कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन उसकी खूबी है कि बनाया गया वो हमारे जयपुर के कारीगरों द्वारा। आप गुजरात के गरबे की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ वो जो सैंडलवुड का बॉक्स था जिसको जयपुर के हमारे कहीं ना कहीं क्राफ्ट पर्सन ने बनाया, उसके साथ ही उसमें गणेश जी की एक छोटी सी आकृति है, मूर्ति है। और जब शुभारंभ करना होता है किसी चीज़ का तो हम गणेश जी के साथ, लक्ष्मी गणेश की अर्चना के साथ ही शुरुआत करते हैं। एक दिया है, दीपक है, जो संकेत है कि नई आशाओं का। लेकिन मात्र गुजरात तक ही प्रधानमंत्री जी का जो गिफ्ट है वो सीमित नहीं है। मैं बता दूं कि जो एक सोने का सिक्का है 24 कैरेट का हॉलमार्क, वो राजस्थान से है, महाराष्ट्र से गुड़ है, उत्तराखंड से चावल है, तमिलनाडु से तिल है, और साथ ही पश्चिम बंगाल से जो है वो सिल्वर के कुछ उसमें गिफ्ट्स भी आइटम है। लेकिन हाँ, नमक गुजरात का है, तो गरबा गुजरात का होगा या नहीं वो नहीं पता, लेकिन व्हाइट हाउस तक गुजरात का नमक जरूर पहुंचा है, ऐसा मुझे ज्ञात है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पे लोग लिख भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो जो बाइडेन जी को हमारा नमक भी खिला दिया, या खा लेंगे शायद। देखिए, मैंने बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट अभद्र टिप्पणी सुनी किसी कांग्रेस की नेत्री के माध्यम से श्रीमती बाइडेन के संदर्भ में। मुझे ये लगता है कि आज अगर आप हमारे देश के ज्वेलरी उत्पाद की चर्चा करें तो सबसे उभरता हुआ हमारा सेगमेंट है जो इको फ्रेंडली नेचुरल दिखने वाला जो डायमंड है, लैब मेड डायमंड, उसको भी हमने प्रस्तुत किया है हिंदुस्तान के नाते राष्ट्रपति बाइडेन के सम्मुख और श्रीमती बाइडेन के सम्मुख। तो जो गिफ्ट है वो हिंदुस्तान की वेरीड पोटेंशियल, विशिष्ट पोटेंशियल को दर्शाता है। लेकिन आज जो चर्चा में शायद नहीं आया, जैसे कि मैंने कहा, आप डिफेंस की दृष्टि देख रहे हैं, इकोनॉमी की दृष्टि से देख रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हिंदुस्तानी बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं उनमें से 20% बच्चे वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा वो गुजरात से है, आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना से है, महाराष्ट्र से है, ये सब वर्तमान में अलग अलग नौकरियों में, अलग अलग सेक्टर्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है हमारा जो आज गौरवान्वित है, जो आप देख रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वो स्वागत के लिए उमड़ पड़ रहे हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ देश में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं उत्पन्न हो रही हैं, आज हिंदुस्तानी डायस्पोरा अमेरिका में भी एक सशक्त भूमिका में अपने आप को पा रहा है, जिसका फिर मैं कहती हूँ बहुत बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी। आज इंतजार करेंगे कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या कुछ होता है। आपने इतनी बातें हमसे साझा की, एक नया पर्सपेक्टिव दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस ताल ठोके में हम अपनी बहस पर आते हैं, हमारे कार्यक्रम पर आते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुप्रिया श्रीनेते जुड़ी हुई है, और थोड़ी देर में मेरे साथ आरती टुक्की जुड़ेंगे। माफी चाहूंगा सुप्रिया जी, एक अर्जेंट इंटरव्यू आया था इसलिए मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा, आप अपनी कंप्लीट बात कह सकती हैं। नहीं, मैंने आपका इंटरव्यू सुना और मैंने मंत्री जी की दलील भी सुनी, यही सारे मंत्री हर चैनल पर जा जाकर बोल रहे हैं, उन लोगों को काम सौंपा गया है वो अलग बात है, लेकिन दो चार चीजें जो इंटरव्यू में कही गई जिस पर आपने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया और आपने तार्किक रूप से उसको तथ्य भी नहीं पूछा। भाई, मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, इसका खंडन तो विदेश मंत्रालय ने कहा करा है, लेकिन स्मृति जी क्यों ये झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए अगर यही दलील है तो काहे नहीं एक फोन करके मणिपुर का गृह युद्ध शांत करा देते हैं,
क्यों 130 भारतीयों को मर जाने दिया? क्यों 54 दिन से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है? क्यों हजारों लोग विस्थापित हैं और प्रधानमंत्री चले गए अमेरिका जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? एक फोन मणिपुर कर दें। एक और बात आपके शो पर कही गई, चाइना को बड़ा संदेश। चीन को तो बड़ा संदेश देने की जरूरत है, लेकिन संदेश हम कहां दे रहे हैं? जिस यूएन में कल सवेरे मोदी जी योगा कर रहे थे, उसी यूएन में 12 घंटे पहले चाइना ने साजिद मीर, जो 26/11 का कुख्यात अपराधी था, उसको ग्लोबल टेररिस्ट बोलने से ब्लॉक कर दिया हमें और अमेरिका को। क्या कर पाई मोदी सरकार? प्रोटेस्ट में चाइना का नाम तक नहीं लिया हमने यूएन में। ये कड़ा संदेश दे रहे हैं हम। अमेरिका से हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट आज की तारीख में $100 बिलियन से ज्यादा है। लगातार 3 साल से चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। इस तथ्य पे कोई चर्चा ही नहीं होती। 20 जाबाजों की शहादत हो गई, मोदी जी चुप्पी अपनी तोड़ते नहीं है, ट्रेड चाइना से बढ़ाए जा रहे हैं। एक और बात मैं पूछना चाहती हूं, आपको उनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, और वो सवाल है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ के, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए क्योंकि वो हम सबका सम्मान है, लेकिन अगर 75 सेनेटर्स और मेंबर्स ऑफ यूएस कांग्रेस एक चिट्ठी लिखकर बोल रहे हैं कि यहां पर रिलीजियस इंटॉलरेंस है, यहां पर प्रेस फ्रीडम में दिक्कतें हैं, तो उसके बारे में जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। और मेरा तो सिर शर्म से इसलिए थोड़ा झुका क्योंकि वहां का एक अदना सा स्पोक्स पर्सन जाके कह रहा है दुनिया को कि मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। आज वो 2 सवाल लेंगे पहले से चुने हुए। मैं तो ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना कर रही हूं कि वो 2 सवाल आप आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर, और आप कोई टॉनिक वॉनिक पीते हैं, ऐसे सवाल ना हो, क्योंकि इससे भारत का लोकतंत्र पर चिन्ह लग जाते हैं। बहुत बातें कोविन पर भी कही गई, वहां से डेटा लीक हुआ है, उस पर कुछ नहीं कहा जाएगा। हिंदुस्तान की कैपेसिटी स्वागत कर रहे हैं सब लोग, मुझे इस बात का दुख है और मैं वाकई में दुखी हूं एक भारतीय होने के नाते, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कांग्रेस या बीजेपी के हैं। मुझे इस बात का दुख है और मुझे आपत्ति भी है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब 140 करोड़ के प्रधानमंत्री आपकी सरजमी पर पहुंचते हैं तो आपके यहां से एक बड़ा अधिकारी, एक प्रेसिडेंट, एक स्टेट सेक्रेटरी के लेवल का व्यक्ति क्यों नहीं आता है? अभी शी जिनपिंग आए थे तो वहां उसको लेने विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे ब्लिंकन, ये अलग बात है। जब नेहरू गए थे तो खुद प्रेसिडेंट ट्रूमन और प्रेसिडेंट कैनेडी प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच गए थे, ये अलग बात है कि आइजनहावर ने उनको अपना गेस्ट बनाया था, प्रेसिडेंट आइजनहावर ने, ये सब अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूएस ने जिस तरह से उनके आगमन पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं भेजा और चीन के लिए भेजा था, मुझे इस पर आपत्ति है, दुख है इस बात का, हमारी सरकार को इस पर जरूर बोलना चाहिए। और मैं अंत में सिर्फ एक बात यह करूंगी, काउंटर टेररिज्म जो यूएन में चीन ने ब्लॉक किया उस पर चर्चा जरूरी है, होनी चाहिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री पुंछ में और रजौरी में जब 5-5 श्रद्धांजलि का एक शब्द बिना बोले नहीं रह सकते, ये मेरा अपना मानना है। अच्छा। प्रधानमंत्री हम सबके गए हैं, उनका पूरा सम्मान हो, लेकिन झूठ उसमें ना परोसा जाए। अच्छा। ये अच्छा रहेगा। एक चीज जानना चाहता था, कूटनीति का इंटरेस्ट रखने होती है। अब आप पूछिए अपना सवाल। जी मैं ये पूछ रहा था क्या जॉन किर्बी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इंडिया में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये उनके शब्द है? हर जगह जॉन किर्बी ने कहा, और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको उसको रीड करके भी बता देती हूँ। Biden and Prime Minister Narendra Modi will deliver remarks to take questions from journalists on Thursday during the Indian leaders. Yeah, John Kirby calls it a big deal. White House National Security Spokesperson John Kirby said, "We are just grateful that Prime Minister has agreed to this because he usually doesn't do the press conference. It is unusual for Prime Minister Modi to take questions from media beyond occasional interviews. He has not addressed a single press conference in India since becoming prime minister John Kirby ke shabd nahi hai, Supriya ji, main sirf kehna chahta hu ye Reuters ke shabd hai, John Kirby ke nahi, nahi hai, nahi, no, you are wrong there, aap galat hai, kyunki main ek journalist reh chuki hu to bina tathyon ke kuch nahi bolti hu, sir, main bhi ek journalist hu, aur ye wahi Supriya ji, main bhi ek journalist hu, main bhi bina tathye ke aapse sawal nahi puchunga, ye Reuters ke shabd hai, John Kirby ke nahi, ye Reuters ke, no, आप गलत हैं, मैं सही हूं यहां पर, ये जॉन कर्बी के शब्द हैं। मुझे इस बात की आपत्ति है कि कैसे ये बातें विश्व पटल पर आ रही हैं जब अपने देश में 9 साल तक भाई, अच्छा चलिए किसी के भी शब्दों,
ये तो आप मानेंगे ना कि 9 साल में मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। आप जैसे प्रगाढ़ जर्नलिस्ट से सवाल ले बेबाक होकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी हमसे बात करने के लिए। आगे मैं बताऊं, रॉयटर्स पे पूरी खबर थी जॉन किर्बी वाली, जिसके संदर्भ में हमने उनसे बात की। ठीक है, तो मेरे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं मैं बता देता हूं आपको। सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। घनश्याम तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुरेश गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक। बीबी सोनी जी हैं, पूर्व राजनयिक। आरती टिक्कू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो आरती टिक्कू जी, सबसे पहला सवाल आपसे, उसके बाद में जफर इस्लाम पे, नहीं पहले जफर भाई से ही शुरुआत करते हैं। जफर भाई, क्या कहेंगे इस विजिट पर, क्योंकि बड़े सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बड़ी बड़ी आलोचना हो रही है, आप इस पर क्या पक्ष रखना चाहेंगे भाजपा की तरफ से? क्योंकि सोशल मीडिया की स्पेस पे कहा जा रहा है कि भाई हम तो बड़ी बड़ी डील उनसे करने वाले हैं, चूंकि हम उनको पैसे दे रहे हैं इसलिए प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। दीपक जी, आपको फिर से एक बार अपने क्वेश्चन को दोहराना पड़ेगा, इसलिए कि मेरा लाइन कट गया था, फिर से अभी तुरंत ज्वाइन हुआ। नहीं, विपक्ष के कई नेता ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम भाई अरबों खरबों की उनसे डील कर रहे हैं, उनका हथियार खरीद रहे हैं, इसलिए जो है बदले में प्रधानमंत्री का सम्मान किया जा रहा है। और नेहरू जी के सम्मान के लिए तो खुद प्रेसिडेंट आए थे प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करने। आप देखिए, एक विश्व में इतिहास बनेगा, एक इतिहास रचेगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ज्वाइंट कांग्रेस को जब एड्रेस करेंगे, इसलिए कि इससे पहले कोई ऐसा नहीं है, कोई भी एक्सेप्ट इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने 2 बार कांग्रेस को एड्रेस किया हो, और दुनिया के 11 कंट्री है जिसमें जो एड्रेस किया है वहां के पार्लियामेंटेरियन को, ये कांग्रेस को आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया है, इसलिए इनकी जो स्टेचर है दुनिया के विश्व के पटल पे, वो अपने आप में अनोखा है, और ये अपने सर भारतीयों के लिए, चाहे वो किसी पार्टी के हो, ये गर्वान्वित करने वाली बात है। ये अलग बात है कि लोग भूल जाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री गया किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, और इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, जहां देश के बारे में 140 करोड़ के लोगों के बारे में बात करते हैं और देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। 2014 से पहले क्या इस देश को एक कमजोर देश की तरह माना जाता था? सुप्रिया जी है नहीं, उन्होंने जो भी बात कही है मेरे ख्याल से अब चली गई है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले इस भारत देश को किस तरह से, किस नजरिए से देखा जाता था? आज आप बताइए, 2014 के बाद 9 सालों में जो हमारी कूटनीति रही, और कूटनीति में सबसे बड़ी बात ये हमारी रही कि हमने अपने देश के हित में जो फैसले, जितने भी कड़े फैसले होने थे लिए, और कभी भी उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देश को हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी, देश के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी, और उसको सबसे ज्यादा हमने प्रोटेक्शन किया, इसलिए आज दुनिया में हमारा एक जो है रौब बढ़ा है, देश का जो है मान सम्मान बढ़ा है, और दुनिया के पटल पे भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधान मोदी जी का एक विश्व पटल पे एक जो है स्टेचर बढ़ा है, जिससे कि आज दुनिया का कोई भी ग्लोबल लीडर हो, बिना प्रधानमंत्री जी के बात किए हुए कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेता है तो जरूर उनकी भी राय लेता है। ये अपने आप में अनोखा है, और पहले इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये कभी ये इश्यू बना रहे हैं कि कौन आया। देखिए, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर का ही की ड्यूटी होती है। बराक ओबामा आए थे तो यहां पर कौन रिसीव किया था? क्या प्रधानमंत्री गए थे रिसीव करने के लिए? उस वक्त यही प्रधानमंत्री थे, तो क्या रिसीव करने गए थे? अरे नहीं गए थे भाई, आपको अपने देश में भी तो देखना चाहिए। चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर जो भी हो वो जाता है, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर ने रिसीव किया है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या हमने कोई प्रोटोकॉल तोड़ के क्या प्रधानमंत्री गए थे उनको रिसीव करने के लिए? नहीं गए थे बाइडन को, ओबामा को रिसीव करने के लिए। तो इस तरह की बेतुकी बातों से हट के देखना चाहिए कि ट्रेड रिलेशनशिप कैसे हो रहा है, और आज देश हमारा मजबूत है, हमारी इकोनॉमी मजबूत है। आपके समय में 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, आज जो है 5 टॉप मोस्ट इकोनॉमी जो है सबसे मजबूत इकोनॉमी में है। तो फर्क तो दिखता है सामने कि हमने एक सफर तय किया है 2014 से 2019 तक, जबकि इकोनॉमी हमारी बहुत मजबूत हुई है, देश हमारा मजबूत हुआ है, देश में जो फैसले लेने के लिए जो स्ट्रांग लीडरशिप होनी चाहिए वो दुनिया ने देखा कि एक स्ट्रांग लीडरशिप है, और हम कभी भी किसी चीज से मुंह मोड़ते नहीं, बल्कि उसको डटकर मुकाबला करते हैं। इसलिए जो स्ट्रांग लीडरशिप जो चाहिए वो दुनिया के पटल पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी उससे कभी घबराए नहीं, और उन्होंने एक अपना देश की हितों का सम्मान करते हुए उसका प्रोटेक्शन किया है। इसलिए आज आप खुद देख सकते हैं कि दुनिया में आप हर जगह पर
देश का नाम हो रहा है और देश का नाम रोशन हो रहा है तो जाहिर है देश के लोगों का गर्वान्वित होना चाहिए। अब ये बात कर रहे हैं मणिपुर की, भाई मणिपुर का मणिपुर इंटरनल मैटर है, देश के अंदर की बात है। यहां पर गृहमंत्री जी खुद स्वयं उसको डील कर रहे हैं और यहां के इश्यूज की वजह से ऐसा थोड़ी है कि आपके आपके जो कूटनीति को चेंज कर दिया जाए, आप दूसरे कंट्री के लीडर से मिलना बंद कर दीजिए या कोई समिट हो तो आप जाना बंद कर दीजिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स करना जो है वो गलत है। ठीक है, अगर अगर मणिपुर में दिक्कत है, मैं भी कहता हूं घनश्याम तिवारी जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, देश में पूरी तरह से शांति रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत आई है इंटरनली किसी कारण से, तो आपको नहीं लगता कांग्रेस की आलोचना गलत है, प्रधानमंत्री की मणिपुर गए नहीं और अब जा रहे हैं अमेरिका, ये आलोचना आपको नहीं लगती कि गलत है? क्या भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया, क्या अपनी विदेशी मीटिंग्स को टाल दे क्योंकि देश के किसी हिस्से में कोई गड़बड़ हो रही है? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन अहम बातें हैं। पहली बात कि मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी यूएस ऑफिशियल विजिट, स्टेट विजिट सफल हो, देश के लिए सफल हो। दूसरी बात कि अभी जो जफर इस्लाम जी ने कहा कि जब बराक ओबामा आए थे तो क्या नरेंद्र मोदी जी उन्हें रिसीव करने गए थे? 25 जनवरी 2015, जी हाँ गए थे। तो ये देश के लिए दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका की तरफ से कोई प्रमुख नेता या उनके उनके एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रमुख सदस्य रिसीव करने नहीं आया। ये देश की गरिमा को इससे ठेस पहुंचता है। जो आपने सवाल पूछा, देश के प्रधानमंत्री इस एक महीने में, जब से मणिपुर जल रहा है, तब से कर्नाटक में अभियान कर सकते हैं, पपुआ न्यू गिनिया जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और दो अन्य देश जा सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य में जिसमें उन्होंने दर्जनों बार राजनीतिक रैलियां की हैं और ये आरोप लगाया कि बाकी लोग बांटते हैं, जिससे मणिपुर जल रहा था। जब मणिपुर जल रहा है वाकई, जब उनके अपने विधायक दिल्ली में बैठ करके, एक विधायक घायल है, बाकी विधायक उनसे समय मांग रहे हैं, समय देते नहीं है, तो ये आलोचना, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, ये आलोचना बनेगा। तीसरी बात कि जिस तरीके से भारत एक एक जीवंत लोकतंत्र है, हमारे देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री आप नहीं बता सकते जो प्रेस के सामने रूबरू नहीं होता है। जिस तरीके से देश की खिल्ली इस बात पे उड़ाई जाती है कि देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते और उन्हें अमेरिका में जाकर के तय करना पड़ता है कि दो सवाल सुनियोजित प्रायोजित तरीके से कैसे पूछे जा सकते हैं, ये तो देश की खिल्ली उड़ाई जा रही है। जिस कांग्रेस को वो को एड्रेस कर रहे होंगे, उसकी पृष्ठभूमि में भारत की वो संसद भी है जिसपे ताला लगा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर कुछ कहना नहीं चाहते थे। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इन सबके बावजूद, जैसा कि मंत्री जी आपके आपके चैनल पे आए, उन्होंने कहा कि नमक गुजरात का है लेकिन निराशा जो है वो मणिपुर की है, निराशा कर्नाटक की है। बच्चन हो गए, मौसी को सब कुछ, जनता को सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मेरा दोस्त है इसलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी गए वहां ठीक है, लेकिन आपको जो जो कहना था कह दिया, अच्छे लगते हैं आप शोले के अमिताभ बच्चन बन के, यहाँ पे मौसी जनता ये बात अलग है। घनश्याम तिवारी जी, आपका जवाब। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि विदेश में, विदेश का मंच एक व्यक्ति के प्रचार का मंच नहीं होता है। ठीक है, लगातार इसी पे मुझे जफर इस्लाम कहना था, मेरे मुझे आपका नाम निकल गया, जफर इस्लाम जी जवाब, फिर उसके बाद में विशाल पांडे के पास चलूंगा व्हाइट हाउस में। देखिए, देश के विपक्षी नेता जो क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, ये बड़ा अफसोसनाक बात है, इसलिए कि पूरे दुनिया में चर्चा है इस विदेश इस यात्रा के बारे में और इंडिया इंडो यूएस टाइज जिस तरह से मजबूत हो रहा है और उससे जाहिर है फायदा देश का होगा, इसलिए कि आज तक आपने बहुत कोशिश की पहले इंडो यूएस टाइज को मजबूत करने के लिए कोशिश की है, हम ऐसा नहीं कह रहे, मनमोहन सिंह जी ने भी कोशिश की होगी, उससे पहले भी और भी जो लोग रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर, कोशिश की, कामयाबी आज मिल रही है। कामयाबी इसलिए मिल रही है कि जो हमारी पॉलिसी आज वो जिस प्रिंसिपल पर ड्रिवन है पॉलिसी, उसकी वजह से कामयाबी मिल रही है और इसको इसको किसी एक व्यक्ति से जोड़ना सही नहीं होगा। वो देश के प्रधानमंत्री, देश की बात कर रहे हैं, वो अपने बारे में थोड़ी बात करने गए हैं। अगर भाई कोई गिफ्ट भी दे रहे हैं तो 10 कई स्टेट के से उठा के वहां की जो मशहूर चीजें हैं उसको जो है प्रेसिडेंट बाइडेन को उन्होंने गिफ्ट किया, इससे समझ में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री देश की देश के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहां के अपोजिशन लीडर सिर्फ उनकी चिंता सिर्फ खुद की रहती है, खुद के पॉलिटिकल पार्टी की रहती है और सत्ता से ज्यादा वो देश के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, उनको सत्ता ही सब कुछ, उनकी जो कामयाबी का जो दर्जा है, पैमाना है कि वो सत्ता में आ जाए वापस, उससे ज्यादा नहीं, देश आगे बढ़े ये उनके लिए कोई न कभी कोशिश रही है न कभी इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। अगर कोई भी एक आज लीडर, अपोजिशन का लीडर ये कहे कि आज देश आगे नहीं बढ़ रहा है,
तो मैं उनको 50 चीजें जुड़वा सकता हूं कि देश आगे कैसे बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ट्रेड बैलेंस के बारे में सुप्रिया जी कह रहे थे, चाइना के बारे में हमने बहुत सारे कदम लिए हैं जिससे कि ट्रेड बैलेंस जो इम्बैलेंस है हमारे अगेंस्ट है उसको जो है ठीक करने के लिए। लेकिन आज आप अमेरिका की नजर से देखें तो 2/3 जो है हमारे फेवर में है, 1/3 जो है वो इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट करते हैं, 2/3 जो इम्पोर्ट करते हैं इंडिया से, और फेवरेबल ट्रेड है हमारे फेवर में। और उसके बावजूद हम उनसे अच्छे बेहतर रिश्ते बनाने के लिए ताकि हम अपने देश को मजबूत हर स्पेस में अपने आप को मजबूत करें, इसके लिए हमारे रिलेशनशिप जो दुनिया के सबसे मशहूर ताकतवर देश है उससे होना ही चाहिए और वो हो रहा है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं विशाल पांडे के पास। विशाल व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं। विशाल, सुनने में आ रहा है कि व्हाइट हाउस में गरबा होगा आज रात में। देखिए बिल्कुल दीपक जी, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक प्राइवेट कार्यक्रम में आए थे जो बाइडेन के आमंत्रण पर, उस वक्त हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि गुजराती गरबा का आयोजन जो बाइडेन और जो जिली बाइडेन है उनकी तरफ से किया गया और गुजराती गरबा का विशेष तौर पर आयोजन किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से लगभग आप ये कह सकते हैं कि 1 घंटे 50 मिनट का वक्त अब और बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में आएंगे और इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, औपचारिक स्वागत किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक राजकीय दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस की एक तस्वीरें मैं आपको अपने दर्शकों को दिखाता हूं। आप देखिए व्हाइट हाउस ये पूरा है जहां पर इस वक्त जी न्यूज की टीम मौजूद है। लगभग 1 घंटे 50 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस आएंगे और यहां के साउथ लॉन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं अपने दर्शकों को यहां पर साउथ लॉन की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन खास बात यह है कि दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या औपचारिक स्वागत होने के बाद 1 घंटे की द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में। इस बातचीत के दौरान कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। खासतौर पर अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा निगाहें उस सेक्टर पर इस वक्त लोगों की टिकी हुई हैं, पूरी दुनिया देख रही, क्योंकि भारत अमेरिका से $3 अरब के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की डील को फाइनल कर सकता है, जिसमें लगभग 15 नेवी के लिए होंगे, 8 वायुसेना के लिए होंगे, 8 थल सेना के लिए होंगे, लगभग 31 ड्रोन की यह सूचना अभी। और ये वही ड्रोन है जिसे अल जवाहरी को मारा गया था, विशाल में गलत नहीं होना, इस मुलाकात के दौरान जो अलकायदा का नंबर 2 दीपक जी, ये जो ड्रोन है ये काफी उच्च तकनीक जी, ये बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन हैं और इसका इस्तेमाल खासतौर पर जो चीन के बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर भी किया जाएगा निगरानी रखने के लिए। साथ ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है भारत के सामरिक दृष्टिकोण से, रक्षा के दृष्टिकोण से, वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात दीपक जी, भारत में अमेरिकी डिज़ाइन वाले F-414 फाइटर जेट इंजन निर्माण को लेकर भी करार यहाँ पर संभव होगा। थोड़ी देर पहले जो यहाँ की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उनकी तरफ से बयान भी सामने आया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका ट्रांसफर भारत को होगा, यानी अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस इंजन की टेक्नोलॉजी को यहां पर पाएगी। अगर मैं अपने दर्शकों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूं, जो जानकारी हमें मिल रही है जिन पहलुओं पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका से भारत की तरफ होगा, उसमें जंग और गलाव को लेकर जो स्पेशल कोटिंग होती है वो है, टरबाइन की रिपेयर टेक्नोलॉजी है, साथ ही कंप्रेशन डिस्क और ब्लेड, इसके अलावा बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं अलग अलग चीजों को, लगभग आप ये कह सकते हैं 90% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस पूरे जेट इंजन का जो निर्माण होता है उसको लेकर किया जाएगा। ये बेहद खास है क्योंकि अगर रक्षा क्षेत्र में सौदा होता है दीपक जी, तो सबसे ज्यादा जो चिंता है वो चीन की बढ़ेगी, पाकिस्तान की बढ़ेगी, और इसीलिए जब आज जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो दुनिया की इस पर नजर होगी दीपक जी, क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके संबंध रूस से भी बहुत बेहतर है, अमेरिका से भी बहुत बेहतर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद से लेकर हिरोशिमा से लेकर हर बड़े मंच पर शांति की अपील करते आए हैं और पीएम मोदी की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि यह युग युद्ध का नहीं है, शांति का है। लेकिन अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी, किन अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या आउटकम आएगा, और एक बड़ी बात यह भी है दीपक जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की भी संभावना है, कुछ सवाल दोनों ही तरफ से यहां पर पूछे जा सकते हैं। बराक ओबामा जब आए थे तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके साथ, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें भी पत्रकारों के सवाल ये थे, एक भारतीय और एक अमेरिकी। मैं ये बात कहना चाहूंगा विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हर पत्रकार की तमन्ना होती है व्हाइट हाउस से रिपोर्ट करें, आप किया है, आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ में मैंने भी कई बार किया है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और आपने कई बार देखा भी होगा। लेकिन अभी एक बड़ी बात कही विशाल पांडे ने, विशाल ने कहा कि उन्होंने हमेशा शांति की बात की है, तो बड़ी बात उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में कही थी कि हम तटस्थ नहीं है, हम किसी चीज से भाग नहीं रहे, हम शांति के पक्षधर हैं, और ये उन्होंने पुतिन के सामने भी कहा था एक मीटिंग के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा था 2014 में यूनाइटेड नेशंस में कि हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध के देश नहीं। आरती टिक्को जी, आपके हिसाब से इस ट्रिप का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, सुरेश गोयल जी उसके बाद आपके पास, सुनी जी आपके पास, मेरे पास कम वक्त है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। दीपक जी, संक्षेप में तो ये है कि भारत का वर्चस्व दिख रहा है हमें, जिस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन लीड कर रहे हैं यूएस में, उन्होंने जिस तरह से स्वागत किया है उस प्रधानमंत्री का जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने 9 साल लगातार इतना प्रोपेगेंडा, इतना झूठ, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म, आपको याद होगा जब बाइडेन पावर में नहीं थे उस वक्त भी वो कितना क्रिटिसिज्म उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ किया, लेकिन आज वही सरकार, आज वही डेमोक्रेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए रेड कार्पेट वेलकम है। एक जो वाकई इंडिया की जो पोजीशन कुछ सालों में बदली है, और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से, अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से, जो अपनी कॉम्पिटेंस की वजह से वो जो जगह आज उन्होंने अर्न की है, जो उन्होंने जीती है, वही आज हमें दिख रहा है वॉशिंगटन डीसी में। ऐसा नहीं है कि बाइडेन कोई मेहरबानी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, ऐसा नहीं है कि इंडिया को कोई मेहरबानी हो रही है, इंडिया की जो स्थिति हुई है इकोनॉमिकली कि आज हम 5th largest इकोनॉमी है और हम जल्दी ही 3rd largest इकोनॉमी बनेंगे कुछ सालों में, ठीक है, तो ये उसका मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। सुरेश गोयल जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा टेकवे अभी तक की मीटिंग्स का? उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक टेकअवे एक सेंटेंस में वो ये है कि भारत और यूएसए ने कुछ साल पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया था, लेकिन उस पार्टनरशिप को असली रूप में ट्रांसलेट होते हुए एक सही मामले में पार्टनरशिप बनते हुए इस विजिट के दौरान देखा जा रहा है, और इस विजिट के दौरान इसलिए सब हो रहा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में, एशिया में, इंडिया पैसिफिक में जो स्थिति बन रही है स्ट्रेटेजिकली, उसमें यूएसए समझता है कि उस स्थिति से निपटने के लिए भारत से पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, और उसमें इकोनॉमिक एरियाज है, आर्थिक एरियाज है, डिफेंस डील हो रही है, ये सब उनके हिस्से हैं। सबसे ऊपर मैं रखना चाहूंगा इस बात को कि अगर हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, डिफेंस ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है चिप्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। जी ठीक है, सोनी साहब आपके हिसाब से? देखिए, मेरे विचार में ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग विजिट है। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस हिंदुस्तान को मिल रही है, हिंदुस्तान के बारे में हमारा जो रोल बढ़ रहा है, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, चाइना का रोल उभर रहा है, चाइना ने सब चीज गड़बड़ करने की कोशिश की है, इसमें सिर्फ उनका जो अगर उनको रोक सकता है तो हिंदुस्तान ही एक जैसा देश है, उसमें कैपेबिलिटी है, और यूएस ने ये देखा है कि उसमें गट्स भी हैं, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, और सिर्फ डिफेंस कैपेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी है हर एकेडमिक फील्ड में देखिए, साइंटिफिक फील्ड में देखिए, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में देखिए, इसीलिए उन्होंने देखा कि सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन हुआ था कुछ साल पहले जबकि पेंडेमिक हुआ और चाइना से ज्यादातर सप्लाईज आती थी, उसके लिए अल्टरनेटिव हमको देखना है, और अल्टरनेटिव के लिए उससे अच्छी जगह कोई भी नहीं है हिंदुस्तान से बाहर। इसमें सारे हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास साइंटिफिक टैलेंट है,
और फैसिलिटीज भी हैं, रिसर्च फैसिलिटीज भी हैं। अगर उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाए, क्योंकि अभी तक हम अपने आप ही कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने देखा है कि अब हिंदुस्तान को वो ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट करें, बट अपने आप ही इंडिजिनाइज करके फिर उसको शेयर करें और उसको किसी डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए नहीं लें। तो इसलिए हिंदुस्तान का जो ओहदा बड़ा है, मेरे विचार में कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान में बड़ा है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत बहुत ही लाभदायक चीज है हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी। गोयल साहब, अब मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा, क्या भारत चाइना को रिप्लेस कर सकता है जहां ग्लोबल सप्लाई चेन का सवाल है, क्या हमें वो कैपेबिलिटीज है? जी कैपेबिलिटीज है, लेकिन अभी तक वो कैपेबिलिटीज यूज नहीं हुई है। अगर हमें चाइना को ग्लोबल सप्लाई में रिप्लेस करना है, और बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अगर हमें चाइना के बराबर बनना है तो ये करना ही होगा, उसमें वक्त लगेगा, हमें पेशेंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे को साथ चाहिए टेक्नोलॉजी वाले पावर नेशन का, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए। जी आपने ये कहा, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं कि हम चाइना को ग्लोबल सप्लाई चेन में रिप्लेस कर सके गोयल साहब? और यही सवाल मेरा आरती टिक्कू जी से होगा गोयल साहब के बाद। जी जैसा कि मैंने पहले कहा, हम सब कर सकते हैं, समय लगेगा, लेकिन हमें इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी में खाली टेक्नोलॉजी एक्वायर नहीं करनी है, चाहे यूएसए से हो या रशिया से हो, कहीं से भी हो, हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है, और भारत के लोगों ने साबित कर रखा है, भारत के लोग बाहर जाके काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, तो हमें सामर्थ्य है कि हम डेवलप कर सकते हैं, हमें उस दिशा में कदम उठाना जरूरी है। जी ठीक है, आरती जी आपको क्या लगता है, क्या भारत के पास वो कैपेबिलिटी है कि चाइना को वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई चेन के मामले में खासतौर पर, जो जिसके ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है चाइना की सप्लाई चेन पर, हम उसको रिप्लेस कर पाए? देखिए दीपक जी, जो सबसे बड़ा इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक्स। चाइना के अगेंस्ट हम लोगों के पास एक यूथ डेमोग्राफिक्स जो है, यंग डेमोग्राफिक जो है, वो बहुत ही मायने रखता है। चाइना में एजिंग पॉपुलेशन है, यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन है, जापान में एजिंग पॉपुलेशन है, तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो टेक्नोलॉजी को भी चलाती है, सब कुछ एआई नहीं करेगा, बहुत सारे काम जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो वो इंडिया के पास बिल्कुल है। इंडिया ने पिछले 33 साल में ये साबित करके दिखाया कि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हो और अगर उनके पास रास्ते हो, क्योंकि जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई तो काफ़ी रास्ते खुल गए, जब रास्ते होंगे तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, हमारी कैपेसिटी है, हमारे पास कॉम्पिटेंस है, हम लोग मेहनती लोग हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल संभव है। ठीक है, इसी के लिए शेर के साथ खत्म करूंगा, भारत के लिए यही कहूंगा कि एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। Z News।